नमस्कार दोस्तों, मैं उद्देश्य त्यागी आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत गेहूं लग रहे हैं। ये मौसम चल रहा है गेहूं कटाई चलेगी अभी, तो ये देख सकते हैं सुबह ही सुबह, मतलब सुहाना मौसम और ये गेहूं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं ये हमें अभी आगे बढ़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उसी तरह मैं अपने सफ़र पर आगे चलते हुए आप देख सकते हैं मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ, मॉर्निंग वॉक कह सकते हैं आप। सो आज एक नई जगह के साथ में, ये आप देख सकते हैं आज नई लोकेशन के साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जोहड़ बेसिकली क्या होता है, गांव में जो एक तालाब टाइप का होता है जहां पे पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है, तो हम उसे जोहड़ कह देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम उद्देश्य त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी एकदम ठीक हूँ। एंड अभी मैं चल चुका हूँ आगे, ये आप देख सकते हैं यह आ चुकी है ट्यूबवेल। बेसिकली इससे जो है किसान अपने खेतों में पानी देते हैं। सो यह आप देख सकते हैं यह ट्यूबवेल है, इससे किसान अपने खेतों में पानी देते हैं। या जो सामने आपको रूम दिख रहा है, ये रूम यहाँ पे इससे स्टार्ट करने का स्टार्टर रखा हुआ होता है। चलिए अभी आगे चलते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं यह है समाधि है, जो अपने पूर्वजों के लिए हम समाधि टाइप में आप समझ रहे होंगे वो बनवा देते हैं, तो यह किसी ने बनवाई हुई है। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये आप मुझे सामने भी दिख रहा है, देवता जो है उनके सम्मान के लिए हम उनकी समाधि या देवता बनवाते हैं हम उनके, ताकि उनकी पूजा करते रहें। तो ये आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे बने हुए हैं। एंड ये आप देख सकते हैं आम के पेड़ पर कोहर आया हुआ है। बेसिकली कोहर कहते हैं हम जो आम के पेड़ पर आम के आने से पहले जो छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं, इसे कोहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे। अभी यह जो आ चुकी है रबझाया रोड आ चुकी है, रबझाया है यहाँ पे, तो इसलिए इसे रबझाया सड़क कहते हैं, रबझाया वाली सड़क कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रबझाया है। रबझाया क्या होता है? रबझाया होता है, आई नो आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, रबझाया हमारे गाँव में कहते हैं छोटी सी रिवर कह सकते हैं, नदी टाइप में या कह सकते हैं आप, जो चलती है गाँव, हर गाँव से कनेक्टेड होती हैं ये बेसिकली। सो अभी तो देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी एक हफ्ते पहले काफ़ी पानी था यहाँ पर, एंड अभी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, जो मैंने एक वीडियो में दिखाया भी हुआ है। सो नहर टाइप में आप इसे कह सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे गेहूं, किसान की मेहनत देखिए कितनी खूबसूरत रंग ला रही है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हुए। एंड ये रबझाया आप सामने देख सकते हैं। एंड अभी मैं आपको ले कर चलता हूँ एक अलग जगह, जहाँ पर एक ऐसी जगह जिसे हम कहते हैं भट्टा कहते हैं बेसिकली, जहाँ पर ईंट बनती है। ये देख सकते हैं ये रास्ता लोहे से बनाया हुआ है बेसिकली, ताकि ये रबझाया को पार करने के लिए बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड आज मैं आया हूँ जहाँ पर ईंट बनती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट बनती है, कच्ची ईंट के बनने का काम यहाँ पर होता है। यह आप देख सकते हैं ये सब ईंटें लगी हुई भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं पास जाके दिखाता हूँ जस्ट मैंने। ये देख सकते हैं आप, नाम क्या लिखा है इस पे, गगन। ये देखिए यहाँ पर कच्ची ईंट बनाने का वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है। ये यहाँ पे केवल कच्ची ईंट बनती है, पकाने का काम जो है वहाँ पे अलग दूसरी लोकेशन पर किया जाता है। और अभी मुझे ये यहाँ पे भाई लोग दिखे हैं ईंट भरते हुए, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अच्छा वहाँ पे जाकर पकेंगे और कच्ची तुम लोग बनाओ या क्या, केवल ट्रांसफर करो? किस टाइम बनाना है यहाँ, किस टाइम से बनाना है? सुबह से बनाते हैं, फिलहाल तो छुट्टी चल रही है। ठीक है, मैं यहीं से हूँ निर्माण। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि ये केवल यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ओनली यहाँ से भट्टे पर, और भट्टे से जहाँ पे जाती हैं वहाँ पर, मतलब जो ख़रीदता है। सो आज
ये कह रहे हैं कि जो बनाते हैं उनकी छुट्टी है, तो मैं कभी फिर आऊँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा बनाते हुए प्रोसीजर इनका। तो गाइस भट्टा देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, वहाँ है उस साइड, ये दिख रहा है इतनी दूर भट्टा है, वहाँ पे लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वहाँ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे एंड वहाँ पे फिर ये पकती है। सो बस गाइस अभी जो है मैंने आपको ये दिखा तो दिया, लेकिन इसका प्रोसीजर मैं किसी दिन बाद में दिखाऊंगा। अभी ये कह रहे हैं कि छुट्टी चल रही है यहाँ पे ईंट बनाने की। एंड ये आप देख सकते हैं इस साइड से इस साइड जाने के लिए ये लोहे का कुछ बनाया हुआ पुल टाइप। सो बस उसके बाद में मैं घर आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं ये मैं सरसों साफ करा रहा हूँ अपनी लाइफ में पहली बार, तो मैंने सोचा ये भी मैं शूट करता हूँ। सो बस अभी मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, प्यार बांटें, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों को टाइम दें, जो मर्जी वो करें, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, और किसी का दिल ना दुखाएं, और हमेशा मुस्कुराते रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।